Hey, what's up guys? क्या हाल चाल है? We are back again with new video और काफी टाइम बाद आज हम खेलने वाले हैं Minecraft। और यार मैं आपको बताने वाला था कि मेरे पास आ चुका है बहुत ही ज्यादा पैसा और मुझे वो पैसे को करना है किसी सही जगह में इन्वेस्ट। यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार मैं किसी चीज की दुकान खोल लूँ, पर यार मैं यही सोच रहा था कि किस चीज की दुकान खोलूँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना हम डेकोरेशन की दुकान खोले। यस, जैसे कि कहीं पे टेंट लगाना और मतलब कि शादी ब्याह का काम, तो यार यही काम हम करने वाले हैं। तो यार तो अभी मैं जा रहा हूँ, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, पर मैं कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ। और मैं अभी आ रहा हूँ सबसे पहले यार एक दुकान देखने, क्योंकि यार हमें चाहिए होगी डेकोरेशन के काम के लिए एक अच्छी सी और छोटी सी दुकान, में चाहिए होगी छोटी सी अच्छी सी दुकान। और ये हमारा स्टेडियम, यहाँ पे हम कभी मैच खेला करते थे, पर अब हमें अपना कारोबार करना है, तो मुझे सबसे पहले जो है दुकान ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं ये दुकान है मेरे ख्याल में जो हमारे राइट साइड पे, ओके, तो ये दुकान है यार जो मतलब के बिक रही है। तो गाइस यार ये दुकान है जो मैं खरीदने वाला, और मेरे पास पैसे कितने मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मेरे पास टाइम पे यार 3 स्टैक एमरल्ड और 3 स्टैक एमरल्ड से हम ज्यादा कुछ तो मतलब कर नहीं पाएंगे, ज्यादा बड़ी तो चीज खरीद नहीं पाएंगे। और ये दुकान है 64 एमरल्ड की, तो चलो यार मैं इस दुकान की बात कर लेता हूँ इसके बंदे से, और ये दुकान फटाफट से हम खरीद लेते हैं। राइट गाइस, तो ये दुकान हमने इस टाइम पे खरीद लिया और दुकान वाले ने मुझे ये पेपर दे दिए जो कि इस दुकान के पेपर है, कि हमें मतलब के कागज वागज सब इस दुकान के क्लियर है, और मैंने ये दुकान ले लिया। और अब मुझे यार चाहिए होगा डेकोरेशन का सामान, और मुझे अपनी दुकान भी थोड़ी बनवानी पड़ेगी यहाँ पे। वैसे मुझे अभी फिलहाल तो अपने दुकान में यार सामान वामान लाना पड़ेगा, जो कि हम डेकोरेशन का सामान वामान लाएंगे। और हमें यार मेनली चाहिए होगा गोदाम, क्योंकि हम इतना माल तो यार दुकान में रखेंगे नहीं है, तो हमारी दुकान होगी यहाँ पे, हमें आके लोग ऑर्डर देंगे। तो चलो यार अभी मैं चलता हूँ अपने शहर की सबसे बड़ी सुपर मार्केट में, और वहां से देखता हूँ कि यार वहां वैसे टेंट वेंट तो मुश्किल ही है मेरे ख्याल में मिले, और मार्केट चलते हैं जो अपनी मार्केट है। ये मार्केट का रास्ता कौन सा था यार? मेरे ख्याल में पुल के ऊपर से, हाँ नीचे से, हाँ ये रोड है ना मार्केट के, जहाँ से हमें डेकोरेशन से लेकर हर एक आइटम मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हर एक चीज यहाँ पे हमारी इस मार्केट के अंदर। तो यार चलो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लेता हूँ, हमें क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बता देता हूँ। राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे जितना मैं डेकोरेशन के लिए आइटम चाहिए थे वो सारे आइटम मैंने ले लिए, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो। ये सारे आइटम है जो हमें मतलब जरूरत लगेंगे, हमें जरूरत पड़ेंगे डेकोरेशन के काम के लिए। तो अभी मैं ये पूरे मतलब के ये बॉक्स तोड़ता हूँ और बॉक्स तोड़ता हूँ और इसको लेके चलता हूँ अपनी शॉप पे वापस। अब आ चुके हैं हम अपनी शॉप पे, और अब मुझे इस शॉप को करना है डेकोरेट VIP तरीके से। तो यार ये मैं ये बॉक्स में रख लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर है हमारे सारे आइटम। सबसे पहले मैं ये चेस्ट निकाल लेता हूँ, जो कि मतलब हमारी एक स्टोरेज होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा अपना यहाँ पीछे साइड को स्टोरेज साइड बनाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये क्यों खुल गया? तो इस साइड ये हो गई हमारी स्टोरेज साइट, जहाँ पे हमारा सारा सामान स्टोर होगा, और यहाँ से ही हम मतलब अपनी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गई हमारी स्टोरेज वाली जगह जहाँ पे हम स्टोर करेंगे। अब हमें अपने शॉप को एक लुक देनी है कि लगे यार ये हाँ डेकोरेशन की शॉप है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ से ये हेड है, जो मुझे हेड मिले हैं ये डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं ये लगाऊंगा सबसे टॉप पर अपने शॉप के। ओके, चुका हमारा ये हेड, और ये मतलब सही लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है हमारे पास। मतलब ये 62 पीस मिले हैं मुझे सारी चीज़ों की। ये हमारे पास कुछ लीव्स हैं जो आर्टिफिशियल लीव्स हैं, तो ये भी मुझे लगाने हैं यहाँ पर, ताकि ये भी डिस्प्ले हो कि हमारे पास ये चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इसे भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओके, तो ये भी हमारे पास मौजूद है। और ये अंदर क्यों लग गया बेटा, तू इधर आना मेरे हाथ में। तो और हमारे पास क्या है, मैं ये रखता जाता हूँ, जो जो मैंने लगा दिए वो मैं ऊपर ही रखता जाता हूँ, ताकि बाद में मैं ये स्टोर में रख दूँ अपने। तो मेरे पास 2 तरह की है, और मैंने 2 तरह की चेयर ली है, पर यार मैं रखूँगा कहाँ पर? तो आई थिंक ये मुझे अंदर ही रखना पड़ेगा, अंदर ही डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो ये हम बिल्कुल फ्रंट में डिस्प्ले करेंगे, एक के ऊपर एक चेयर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास 2 किस्म की चेयर मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो हमारे पास बहुत सारी चेयर्स हैं 2 किस्म की। तो हमें ये है हमारे पास जो हम मतलब टेंट लगाएंगे, वो इन कलरों के आपको मिलेंगे टेंट, जैसा कि आप देख सकते हो इस कलर के टेंट आपको हमारे पास मिल जाएंगे बिल्कुल। और आप जैसा कि देख सकते हो ये कलर है हमारे पास टेंट वगैरह के, जिन कलरों के हम आपको टेंट देंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों के लाइटिंग कैसे करके देंगे। लाइटिंग तो यार हमारी सबसे VIP होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम ये, आप लोग भी अभी रابطہ करो, और अब आपका कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो यार डेकोरेशन आपने हमसे ही लगवाना है। और हम लोग जैसा कि देख सकते हो कितनी VIP किस्म की लाइटिंग करी है यार मैंने। लाइटिंग में मैंने ठीक ठाक पैसा, यार मेरा लगभग 1 स्टैक एमरल्ड तो यार लाइटिंग में ही चले गए यार। बड़ी मतलब कि VIP किस्म की लाइटिंग पर हमें मिली है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो यार कितने VIP किस्म की लाइटिंग। और ये होगी हमारे मतलब कि लाइटिंग डेकोरेशन, हम जिसका भी जैसा करेंगे वैसी लाइटिंग होगी। तो तुम लोगों ने लाइटिंग भी देख लिया, अगला मैं दिखाता हूं आपको।
मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्लाइंट को रॉड कैसी लगा के देंगे, मतलब कि रॉड भी यार एक लुक देती है अलग। तो ये हमारे पास मोटी वाली रॉड जो कि मोटी रॉड होगी, और ये हमारे पास पतली वाली रॉड। और मेरे ख्याल में यार ज़्यादातर लोगों को यही वाली रॉड समझ आई होगी, क्योंकि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटी है, पर यार ये ज़्यादा मजबूत है। मतलब कि ये अगर आपने रॉड लगवा ली तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है कि तंबू गिर सकता है, पर इसमें थोड़ा डर होगा। लेकिन हम यार ऐसा काम करके ही नहीं देंगे कि कोई किसी को डर हो। नेक्स्ट दोस्तों, ये हमारे पास ये वाली जालियाँ भी हैं जिससे जो कि मतलब किसी कहीं ऐसी जगह पे कहीं अगर आपको बाउंड्री लगवानी हो तो ये जालियां हैं हमारे पास उसके लिए। आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये भी काफ़ी VIP किस्म की जालियां हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह हम लगा के देंगे, काफ़ी कम रेटों में लगा के देंगे। और जालियों के बाद हमारे पास ये वाली पेंटिंगें, अगर आपको ये पेंटिंगें भी लगवानी है तो ये भी हम आपको लगा के देंगे। हमारे पास लगभग हर चीज़ें ही मौजूद है, आप जैसे कि देख सकते हो ये पेंटिंगें भी हमारे पास है यार। हमारे ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये पेंटिंगें आ गई हैं काफ़ी किस्म की, हमारे पास पेंटिंगें भी। और दूसरा हमारे पास ये कैंप फायर, अगर आपको कैंप फायर भी लगवाना है तो ये भी हमारे पास कहीं अगर आप पार्टी वार्टी कर रहे हो, पर यार इसको हम अपनी शॉप पे नहीं लगा सकते, पर ये चीज़ भी है हमारे पास। अरे यार ये टूट गया। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ भी मौजूद है। और अब मैं आपको अगला दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कंपोस्टर, मतलब कि इसके अंदर जो है इसके अंदर क्या होता है मुझे भी नहीं पता, पर दुकानदार ने बोला कि ये भी आपके डेकोरेशन के काम में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, तो मैंने यार ये भी ले लिया। मैं मतलब कितना अच्छा हूँ कि लोगों की बातें मान जाता हूँ। अगला है हमारे पास ये इसका फोल्डिंग, जिसमें मतलब कि हम जिस पे चढ़ के काम कर सकते हैं, हम कहीं पे भी मतलब कि कोई ऊंची ऊंची जगह है तो हम वहाँ पे काम कर सकते हैं इस पे चढ़कर। तो ये कहाँ लग गई यार, तो वहाँ कहाँ लग रही है। हमारे पास स्का फोल्डिंग जिस पे चढ़कर हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं, और अभी मैं अपनी छत पे चढ़ के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओके, तो यार ये पुल देखो यार तुम एक बार, क्या VIP पुल बना है, अच्छा खासा खर्चा किया इस पे भी। तो अभी हम वापस नीचे चलते हैं, और यहाँ से तो कूद नहीं सकता आराम से। ओके, तो इस पे कैसे जाते हैं नीचे? ओके, तो ये आ गया मैं नीचे। तो ये भी हमारे पास काफ़ी काम की चीज़ है। अब देखते हैं यार हम किसी क्लाइंट का वेट करते हैं, कोई क्लाइंट हमारे पास जैसे ही आता है हम वैसे ही उसे यार अच्छा खासा डेकोरेशन लगा के देंगे।